नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल हिंदुत्व रक्षक पर। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम सतगुरु से रिलेटेड, जो भी उन पे कह सकते हो कि इल्ज़ाम लगाया गया है उसके बारे में बात करेंगे कि सतगुरु पर कौन कौन से इल्ज़ाम लगाया गया है। तो बात करते हैं इस टॉपिक को, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। सतगुरु हमारे देश का नाम रोशन करने वाला एक ऐसा व्यक्ति हैं जो पूरे दुनिया में जाकर हमारे कल्चर का, हमारे देश का नाम बढ़ा रहे हैं। अमेरिका से लेकर जर्मनी, जापान, बहुत सारे देश में जाकर हमारे कल्चर, हमारे हिंदू धर्म को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो वहीं पे एक न्यूज़ निकल कर आया है कि एक गणेश कमराज द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उनके दो बेटियों को सतगुरु ने अपने आश्रम में बहला फुसला के रखा है। जब इस मामले को मद्रास हाईकोर्ट में ले जाया गया तो मद्रास हाईकोर्ट ने सतगुरु से पूछा कि क्या आपने ऐसा काम किया है जो अपने बेटी को विवाह कर दिए हैं और दूसरे को बेटी को आप कह सकते हो कि ब्रह्मचर्य बनाने का काम कर रहे हैं। तो इस मद्रास कोर्ट ने मद्रास के पुलिस को ऑर्डर दिया कि जाकर जो ईसा फाउंडेशन है उनको जांच किया जाए। इस प्रकार के मामला जो निकल कर आया है उसको जांच करने का आप कह सकते हो कि ऑर्डर दे दिया है। तो यह घटना जो उनको पर लगाया गया है, क्यों ऐसा क्यों हुआ कि इस प्रकार का उन पर आरोप लगाया गया है? तो देखिए, हमारे सतगुरु हैं जो बहुत सारे हमारे देश के, या आप कह सकते हो कि नव निर्वाण की ओर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो अभियान है मिट्टी बचाओ अभियान, ये इनके द्वारा चलाया जा रहा है जो पूरे देश में चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में इनका जो नाम है वो हर व्यक्ति लेता है। और इसके बारे में सेब मिट्टी, सेब सॉइल के बारे में आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, मगर नहीं जानते हैं तो बहुत सारा उनका वीडियो पड़ा हुआ है सेब सॉइल पर कि अगर मिट्टी नहीं बचाओगे तो आपको कितना ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इस प्रकार का अभियान। और हमारे जो सतगुरु हैं उनका हर मुद्दा यही है। पहला जो मुद्दा वो निकालने हैं कि जो भी टेम्पल है वो फ्री कर दिया जाए, जो भी भारत सरकार या राज्य सरकार के कंट्रोल में है टेम्पल उनको हटाकर, जो भी मंदिर का जो भी समिति है उनके द्वारा मंदिर का जो भी चढ़ावा आएगा, जो भी उनसे जितना भी प्रॉफिट होगा उनके द्वारा देखा जाएगा, उन्हीं के द्वारा इस तरह का जो भी पैसा आएगा उनके द्वारा, मंदिर के द्वारा जो भी लोग हैं उनके द्वारा काम किया जाएगा। इसी कारण से ऐसा उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि ईसा फाउंडेशन यानी सतगुरु हमारे देश के जो भी महिलाएं हैं उनको ब्रह्मचारी बना रहे हैं। तो यह न्यूज़ जो पूरे देश में अभी वायरल है, नहीं जानते हैं तो आपको यह जानकारी कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कि नए टॉपिक के साथ, तब तक जय श्री राम।